वेलकम टू माय चैनल सीवी कॉन्सेप्ट। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कॉलम का रेनफोर्समेंट डिटेल कैसी होती है, राइट, कॉलम में कितना एमएम का जो सरिया है प्रो प्रोवाइड किया जाता है उसकी फुल डिटेल आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। मेरे साथ फिर से है मोहित मिश्रा जी, राइट, जो यहाँ पे साइट इंजीनियर है, वो आपको सारी डिटेल बताएंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग शियर वॉल जो है वो भी देखने वाले हैं और कॉलम का जो शटरिंग है वो कैसे होता है और कॉलम के शटरिंग निकालने के बाद कॉलम जो है दोस्तों वो कैसा दिखता है वो भी आपको आज के वीडियो में मैं बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, जैसे कि आज हम कॉलम के बारे में देखा जाते हैं, ये आप देख सकते हैं, इसको स्टार्टर बोला जाता है। जब हम स्लैब भरते हैं तो जो पहला पोर्शन जो हम कॉलम का रेडी करने के लिए भरते हैं उसको स्टार्टर बोलते हैं। वो मिनिमम 75 mm का होता है। स्टार्टर कैसे करते हैं कायम, पहले तो एक पहले रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, उससे पहले हम चेक करते हैं और उससे हम लोग एडजस्ट करते हैं ये स्टार्टर देखो जैसे 75 mm का है, मिनिमम उतना होना चाहिए, 75 mm होना ही चाहिए। और ये जैसे कि रेफरेंस पॉइंट लेके एक बाजू से पहले स्टार्टर को हम लोग वो करते हैं, फिक्स करते हैं। इसमें स्टार्टर में क्या क्या देखना रहता है, पहले तो जो उसका मापी है वो देखना पड़ेगा। कॉलम जैसे हमारा ये है 300x450 का है, तो वो देखने का और वो राइट एंगल देखना पड़ता है कि ये कॉलम घूम ना जाए, उसमें पहले राइट एंगल चेक करना पड़ता है। राइट एंगल तो आपको पता ही है कि हम 7th-8th standard में ही पढ़ाया गया था पाइथागोरस थ्योरम से, a² + b² = c², वही हम फॉर्मूला यूज करते हैं यहाँ पे। तो वो हो जाए जब तो स्टार्टर भर दिया जाता है। स्टार्टर भरने के बाद उसके बाद ही हम शटरिंग करते हैं, उसमें फिर बाद में क्या प्लम्ब बॉब वही चेक करना रहता है और कुछ नहीं रहता है। अब चलो हम रेनफोर्समेंट देख लेते हैं। जैसे कि आप ये हमारा देख सकते हैं कॉलम है, इसका वर्टिकल है 12 mm डाया है सब वर्टिकल इसका, और जो है इसका स्टीयरअप से वो 8 mm का है और उसका सेंटर है 100 mm, जैसे कि आप देख सकते हैं सेंटर देखना हो 100 mm है इसका सेंटर। और ये जो आप देख रहे हैं ये जो होल्ड करने के लिए वर्टिकल को, इसको लिंक बोलते हैं, ये भी 8 mm का है और ये जो मोड़ा है इसको 135 डिग्री पे है। और ये जो है हमारी डिटेल वो भी मिनिमम होना चाहिए 65, वो हुक लेंथ है जो हुक। ये हमारा हो गया रेनफोर्समेंट। हाँ, और एक और जो मेन पार्ट है ये लैप लेंथ जो होता है एलडी अपना, तो ये देखो 12 mm का है। हम लोग यहाँ पे मिनिमम 49D यूज कर रहे हैं, जैसे कि ये देखो हमारा 12 mm का वो है, तो 49×12 करोगे तो इसका है अपना 580 मिलना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं लेंथ ऑफ डेवलपमेंट 580 मिल रहा है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो है एज पर डिजाइन 49D यूज कर रहे हैं, तो वो मिलना चाहिए हमको लैप लेंथ। जैसे कि आप ये देख सकते हैं वर्टिकल मेंबर, इसको शियर वॉल बोलते हैं। अभी शियर वॉल क्यों दिया जाता है वो भी बताता हूं मैं आपको। ये जो हमारा विंड लोड है और सिस्टमिक लोड है उसके लिए शियर वॉल दिया जाता है, ऐसा लॉन्ग स्पान में वो कर सके ऐसा लोड डिस्ट्रीब्यूट, इसके लिए शियर वॉल दिया जाता है। और ये जब शटरिंग देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे माइवन का शटरिंग यूज कर रहे हैं, यहाँ पे इसकी फिनिशिंग अच्छी आती है वुडन शटरिंग से टाइट किया जाता है। और इसको जब आप कास्टिंग कर रहे हो ये हिल ना जाए इसके लिए जैक सपोर्ट दिया गया है यहाँ पे। ये जो देख रहे हैं ये स्पिंडल, इससे आप इसको एक लेवल पे ऐसा टाइट कम कर सकते हो जिधर आपको वो करना हो ऐसा। और पहले तो सबसे जब आप ये शटरिंग लगाते हो जो चीजें चेक करनी होती है, पहले तो प्लम चेक करना पड़ता है, ऊपर से प्लम बॉम लटका के पूरा लेवल देखना पड़ता है कि ऊपर नीचे सेम मिलना चाहिए ऐसा, प्लम में है कि नहीं, उसके बाद ही हम ये कास्टिंग कर सकते हैं। वो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है कास्टिंग से पहले हो जाए प्लम के साथ। इसका हम लोग वो राइट एंगल भी चेक करते कि क्रॉस ना हो जाए, उसके लिए वो जैसे कॉलम में चेक करते सेम वैसे ही चेक करना पड़ता है। और फिर भराई के बाद भी एक बार वापस से प्लम में चेक करना पड़ता है कि कहीं एक बार जो भाग तो नहीं गया है, वो सब वो इम्पोर्टेंट चीज है, प्लम मेन है।
आपको हमने पहले स्टार्टर दिखाया था, स्टार्टर हो जाता है उसके बाद हम शटरिंग करते हैं। शटरिंग करने के बाद ये देखो, जैसे आप ये देख सकते हैं, ये हमारा प्लम बॉब है, ये हमने ऊपर से लटकाया, तो ऊपर जो जो मिल रहा है लेंस, रुक जा 170 मिल रहा है नीचे। ऊपर भी आप देख सकते हैं कि एग्जैक्ट मिल रहा है, मतलब ये अपना कॉलम प्लम में है, मतलब ये ओके है, ये कास्टिंग कर सकते हैं इसको। अगर ये नहीं होता तो इसको एडजस्ट करना पड़ता है, जिस साइड हो देखते सूख रहा है वो हो रहा है, उसको जैसे सपोर्ट लगा है उससे हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है कि स्टार्टर के बाद जब आप कटरिंग कर रहे हो तो वो प्लम में होना चाहिए। जैसे देख सकते हैं आप, ये माइवन का कटरिंग है, तो देखो फिनिशिंग अच्छा है कॉलम का कास्टिंग के बाद। एक ये बेनिफिट है माइवन के कटरिंग का, क्यूरिंग अभी इसको क्यूरिंग करके गया है, मतलब ये नहीं कि बस कास्टिंग हो, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है क्यूरिंग का, क्योंकि जो सीमेंट आप जा सकते हो उसमें से हीट निकलती, उसके लिए क्यूरिंग इम्पोर्टेंट है। मिनिमम 10 डेज तो होना ही चाहिए क्यूरिंग, ऐसा तो वो भी एक चीज है, वो फैक्टर स्ट्रेंथ के लिए, कॉलम की स्ट्रेंथ के लिए वो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये कास्ट हो चुका है, हमारा शियर वॉल है, तो शियर वॉल तो वही है कि लॉन्गर स्पान में दिया जाता है लोड डिस्ट्रीब्यूट के लिए, जो सिस्टमिक और विंड लोड है उसके लिए ये दिया जाता है। शियर वॉल का वही मेन पर्पस है, जहाँ पे कॉलम प्रोवाइड नहीं कर सकते लॉन्ग स्पान के लिए शियर वॉल प्रोवाइड किया जाता है। Thank you for watching my video. Please subscribe my channel CV Concept.